संघ के सरसंघ चालक थे सुदर्शन जी, वो कहते थे कि इस देश का किसान देश के लिए ऊर्जा और फ्यूल तैयार कर सकता है। तब हमारी बात पर कोई विश्वास नहीं रखता था। अभी पांडे जी मुझे बता रहे हैं, मैं बीजेपी के प्रेसिडेंट के नाते हर बार कहता था, गांव अगर समृद्ध और संपन्न बनाने हैं और गांव गरीब मजदूर और किसान का कल्याण करना है तो हमको पहले किसी भी हालत में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ाना होगा और इसलिए किसान को अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनाना पड़ेगा। अब किसान ऊर्जादाता भी बन गया, बिटुमिन दाता भी बन गया, अब बायो एविएशन फ्यूल का भी दाता बन जाएगा, तो कॉर्न गेहूं चावल शक्कर से उसको ज्यादा कमाई होगी और गांव समृद्ध होंगे क्योंकि अब 100% इथेनॉल टू व्हीलर में चलेगा, ऑटो रिक्शा में चलेगा, बसेस हमारे यहाँ थी, मैंने स्कैनिया की बसेस 100% इथेनॉल पर चले, कभी प्रॉब्लम नहीं आया। अब ये कार आई है, ये 60% बिजली तैयार कर रही है और 40% इथेनॉल है। इथेनॉल का रेट है 60 रुपये लीटर, पेट्रोल का रेट है 120 रुपये लीटर, 60 रुपये में ये 60% बिजली तैयार कर रहा है, तो ये 20 से 25 रुपये पर लीटर एवरेज हिसाब से पेट्रोल की कीमत आएगी, तो ग्राहकों का फायदा है, प्रदूषण में एकदम कमी है क्योंकि ग्रीन फ्यूल है, और किसानों को इसका फायदा होगा। आज मक्के का भाव 1800 के ऊपर चला गया क्योंकि मक्के से इथेनॉल बन रहा है, तो स्वाभाविक रूप से चावल जो हमारे पास बहुत स्टॉक में पड़ा है उससे इथेनॉल बनेगा, बाम्बू से बन रहा है, अभी परली से राइस स्ट्रॉ से बन रहा है, तो ये क्रांतिकारी ये है और इससे देश में कृषि और ग्रामीण क्षेत्र में तो बदलाव आएगा पर देश का इम्पोर्ट बचेगा। 2 लाख करोड़ की इकोनॉमी जब बन जाएगी, अभी ये जो इथेनॉल रेकर पुरी साहब ने बताया कि 50 से 60 हजार करोड़ रुपये भारत सरकार की बचत हुई क्योंकि हम लोग पेट्रोल में अभी ये 11.75% आया, 20% तक जाएंगे और डीजल में भी 15% डालने की बात के बारे में हम आग्रह कर रहे हैं, उसका भी टेक्निकल रिपोर्ट आया है, तो जनरेटर सेट चलाएंगे तो देश में इथेनॉल की इकोनॉमी पेट्रोल को समाप्त करेगी और गांव में किसानों ने तैयार किए इथेनॉल जो ग्रीन फ्यूल है जिससे प्रदूषण नहीं होता है, जिससे गांव में रोजगार निर्माण होंगे, किसान समृद्ध संपन्न होगा, वो तो नए युग की शुरुआत इससे। भारत में कब से दौड़नी शुरू हो जाएगी सड़क पर ये कार? ये देखो ये मॉडल डेवलप कर रहे हैं, उनकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, अब मुझे लगता है जल्दी मार्केट में आएगा। सर ये टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिक से बेटर है क्योंकि कम पॉल्यूशन है, तो इसको कोई एडवांटेज? देखिए इलेक्ट्रिक में इसमें कैसा है कि 60% चलते चलते बिजली तैयार करेगा और 40% इथेनॉल पे चलेगा पेट्रोल के बजाय। देखिए मैं आपको बोलो, हिंदुस्तान एक समुद्र है, हमारे पास 16 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल का इम्पोर्ट है, इसलिए CNG LNG इथेनॉल मिथेनॉल बायोडीजल हाइड्रोजन सब भी करेंगे तो भी पेट्रोल डीजल लगेगा, इसलिए जो मार्ग हमारे इंडिजिनस है जिससे इम्पोर्ट कम होगा, प्रदूषण कम होगा, रोजगार निर्माण होगा, ग्रोथ बढ़ेगी और देश का विकास होगा, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो प्रधानमंत्री का सपना है उसमें ग्रामीण भारत को शक्तिशाली बनाने का बायोफ्यूल ये सबसे बड़ा ये हाँ। हवाई जहाज में अभी 2% वर्ल्ड का रेजोल्यूशन आ रहा है कि 2% बायो एविएशन फ्यूल डालेंगे तो इथेनॉल से बायो एविएशन फ्यूल भी बनेगा और परली से बनेगा, तो ये एक रिवोल्यूशन होगा। मैं ये बातें बहुत दिनों से करता हूँ, आप मेरे पर विश्वास नहीं रखते थे, अब जब ये पूरा सच्चाई देख रहे तो आपको विश्वास हो रहा, मुझे भी समाधान मिल रहा है कि जीवन में जिस मिशन में काम कर रहा था उसका एक सपना पूरा हुआ। विक्रम किर्लोस्कर जी ने बहुत मेहनत की, बेचारे आज नहीं रहे।